हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टमकल की गार्डनिंग। आज मैंने ये शॉपिंग की है, कुछ प्लांट्स लेके आई थी। ये देखिए, ये जरबेरा है, ये भी येलो ही है मगर ट्रैवलिंग में ये ख़राब हो गए, इसके सारे फूल टूट गए। देखिए, ये इसका फूल था, ये पूरी स्टिकी टूट गई है और इधर इसकी भी स्टिक यहाँ से टूट गई है। तो ये मैं कुछ शॉपिंग की थी, मैंने 6 प्लांट लेके आई हूँ। ये मेरा वाइट में हल्का सा पिंकिश कलर है, ये देखिए अभी मुरझा गया, कल बहुत अच्छा था, पूरा खिला हुआ था। ये देखिए हल्का सा इसमें पिंकिश कलर, जैसे वाइट मिल्क में हल्की सी स्ट्रॉबेरी का थोड़ा सा टचअप दे दिया जाए तो वो कलर आता है। इसमें हल्की सी पिंकिश है। इस टाइप का हिबिस्किस मैंने किसी अपने होम गार्डन ग्रुप के ऐड में उसमें देखा था, ग्रुप में किसी आंटी जी थी, कोई मधु जी शायद, मैं उनके पास देखा। ये देखिए, ये भी टूट ही गया है। ये देखिए, तो ये कई ब्रांचेस की टूट गई हैं और ये प्योर येलो है, जैसे येलो में मेहरून डॉट होता है वो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल प्योर प्लेन है। तो इसका ये साइज बड़ा था पॉट का, इसका छोटा था। तो ये 150 में दिया है, ये वाला, ये 150 में दिया, और ये वाला मुझे 200 में दिया है, ये वाला। देखिए, इसकी भी कुछ ब्रांचें टूट गई हैं इस तरह से, देखिए ये है। तो मैं इन्हें एज ए कटिंग लगा देती हूँ, इसी में रख देती हूँ वरना भूल जाऊँगी कौन से कलर की है ये। तो ये मेरे पास कुछ प्लांट में ख़रीद के लाई हूँ। ये अजेलिया है, ये देखिए, ये अजेलिया है। इसमें बर्ड्स भी आ रही थी, बाकी में बर्ड्स नहीं आ रही थी पर इसमें आ रही थी बर्ड्स, तो मैं एक ले आई। पिंक कलर का मुझे लग रहा है या रानी कलर का होगा, तो एक ये अजेलिया ले आई थी मैं, मुझे बहुत प्यारा लगा था। वैसे इसकी केयर बहुत टफ है काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी इसमें, क्योंकि ये बिल्कुल सर्दियों वाला प्लांट है, शेड लविंग प्लांट है, गर्मियों में बचाना मुश्किल हो जाता है, मगर फिर भी मैं ट्राई करूँगी। तो ये जरबेरा मुझे मिले हैं 90 रुपीज़ के, ये देखिए। इसीलिए मैं 3 ले आई, क्योंकि लास्ट टाइम मैं बहुत महंगा लेके आई थी, एक लेके आई थी, वो मैंने लगा दिया है वहाँ। तो ये अब मैं लेके आई हूँ, बस इनकी अब गर्मियों में केयर करने की बहुत ज़्यादा ट्रेजिडी हो जाएगी, तो मैं देखती हूँ कैसे केयर कर सकती हूँ इसमें। तो ये 900 के बताए थे, 99 ये दे दिए, क्योंकि मैंने कई सारे प्लांट लिए थे उनसे। तो ये, और ये भी मुझे 100 का मिला अजेलिया, ये भी 100 का ही मिला है, देखिए काई वगैरह आ गई है। और ये मुझे 200 का दिया बड़े पॉट की वजह से, और साइज़ भी बड़ा है, करीब 2 फीट के करीब है और ये 1 फीट के करीब होगा ये। तो ये मुझे 150 का दिया, ये 200 का दिया। तो ये है मेरी आज की शॉपिंग, इसे तो मैं ऐसे ही रहने दूंगी क्योंकि अभी मेरे पास पॉट खाली नहीं है। जैसे जैसे पॉट खाली होते जाएंगे, सर्दियों के प्लांट ख़त्म होते जाएंगे, वैसे वैसे मैं इन्हें रिपोर्ट करती रहूँगी। और इन पर मैं अजीलिया की केयर पे भी मैं वीडियो डालूँगी जब इसे रिपोर्ट करूँगी। तो अभी फ़िलहाल मेरे पास कोई पॉट खाली नहीं है, तो इसे ऐसी जगह रखूँगी अभी शेडी प्लेस में, और जरबेरा भी को भी थोड़ा सा ऐसा एरिया दूँगी जहाँ हल्की धूप मिले, मॉर्निंग की तेज़ धूप से बचाऊँगी इन्हें। तो अब देखती हूँ मैं किस किस को रिपोर्ट कर सकती हूँ। एक तो समस्या ये है कि पॉट नहीं रहते हैं, इतने पॉट खरीद के आ रहे हैं, पॉट ख़त्म हो जाते हैं हम गार्डन की सबसे, गार्डनर की सबसे बड़ी यही समस्या होती है कि कभी पॉट कम तो कभी प्लांट कम कहीं जाओ तो एक प्लांट लेके आने को हो तो 4 प्लांट खरीद के उठा लाओ चलो ये मुझे अलग मिला, कुछ अजेलिया प्लांट मुझे मिल गया, हमारे यहाँ नर्सरी में नहीं आता है तो ये मुझे वहाँ मिल गया बरेली में, तो मैं इसे उठा लाई। और इसमें बर्ड्स भी थी, इस समय बर्ड बिल्कुल नहीं आ रही है, कलियाँ बिल्कुल नहीं आ रही है, इसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है, बाकी किसी में भी नहीं थी, बहुत ढेर सारी प्लांट थे मगर इसमें थी। तो मैं ये मैंने ले ही लिया, मैंने कहा चलो ले लेती हूँ अजेलिया, मगर अब इसकी केयर बहुत टफ है, जैसे गंदराज की टफ होती है केयर, वैसे इसकी भी अब टफ है। चलो देखते हैं इनके साथ में क्या क्या कर सकती हूँ। तो ये है मेरी शॉपिंग आज की। तो फ्रेंड्स, अगर आप अभी हिबिस्किस लेकर आना चाहें तो लेके आ सकते हो, और उनकी देखभाल भी करो अच्छे से। और ये देखिए, इसकी कली वहीं से काली हो गई है, ये कीड़े वगैरह लग रहे हैं बहुत,
चलो कोई नहीं, देखते हैं। उन लोगों को तो कल ही खिलाना ही है, पर हम लोगों को तो अभी इसकी स्ट्रांगनेस चाहिए। जो खिल गई हैं तो खिल गई हैं, बाकी मैं कट कर दूंगी कलियाँ भी। तो फ्रेंड्स, इन्फॉर्मेशन अच्छे लगे और मेरी शॉपिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और नई जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। तब तक गार्डनिंग करते रहिए, खुश रहिए। बाय बाय फ्रेंड्स।